हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सब? आपका दोस्त अपने लौट लेकर आया हूँ आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मैच होने वाला है एक नागालैंड और मुंबई के बीच में। नागालैंड ओवर पर मैच है और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो हर वीडियोज के नीचे, बिकॉज वो एल्गोरिदम के लिए अच्छा है, हमारे चैनल की विजिबिलिटी के लिए अच्छा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे, लाइक्स ज्यादा आएंगे तो चैनल जल्दी ग्रो करने में मदद होगी। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो वीडियोस के नीचे। Hello चलिए everyone. शुरू This करते हैं। ये morning रही we're हमारी coming to टीम्स। you from Dhaka Stadium. You देखते हैं आज टॉस कौन जीता है। नागालैंड ने टॉस जीता है, जापान ने कॉल किए हेड्स और हेड्स आया। और सेकेंड टाइम इन अ रो हमारा कैप्टन टॉस जीता है इस सीरीज में, इस रणजी ट्रॉफी के पूरे सीरीज में। The और बॉलिंग captain ली है showing a पहले, lot of confidence then. दिखता हूँ मैं अपना कोई फील्डिंग है क्या इधर सेट करने के लिए। ये With the ठीक लग changes रहा in है the field, फील्डिंग, the क्योंकि मेरे captain पास looks to be इसमें going लिफ्ट for a more balanced approach. भी है। This is बॉलिंग पहला ही everything. बॉल मिस कर दिया है इसने Sunny, with a और मौजूदा के superb अभी के अभी। delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. और उसके बाद एक पैर पे बॉल क्लिक कर दिया। पैर पे बॉल होगा तो एशिया के हर प्लेयर There'll be one इजीली run खेल here लेंगे, for उसको them. हर दिन क्लिक करते जाएंगे। Really raced between the wickets after it was killed, looking pretty balanced now between defensive and attacking. आओ बोल्ड है इनसाइड एज और दो दो स्टंप्स उखाड़ के बाहर निकालते हुए और हमारी बॉलिंग फॉर्म वापस आ चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से। मैं यहाँ पे रिप्ले नहीं दिखा पाया, लेकिन हम अलग से रिप्ले जरूर दिखाएंगे इस कॉल का, क्योंकि जरूरत है देखने का इस तरीके से मिला है हमें। देखिए इनसाइड एज लगी और लेग स्टंप पहले गया, लेग स्टंप पलटी पलटी अल्टी पलटी करते हुए मिडल स्टंप को भी साथ में लेके इस ओवर में 91 for 5 थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया है टीम को ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ में। बॉलिंग भाई सीम क्या हो रहा है, बॉल जबरदस्त सीम हो रही है बॉल यहाँ पर। लेग साइड पर खेल लिया है सिंगल के लिए एक और। Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. ब्रैडफोर्ड भैया थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी बॉलिंग में, पिछले ओवर में भी हमने देखा था। एक बार फिर बैट पैड का चांस। अरे भाई क्या है ये, Tucked it nicely अब दो into the gap. सिंगल्स आ Pick up चुके a हैं इस ओवर single, से। rotate the strike. और गॉन। प्रॉपर टेस्ट मैच विकेट बोलते हैं क्या, ओपी बोलते हैं टेस्ट मैच विकेट, दूसरे विकेट मिलते हुए और एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को हमारा शिकार बनाते हुए। इसको मैं कंटिन्यूअसली बाहर बॉल डाले जा रहा था, उसके बाद मैंने थर्ड फोर्थ स्टंप पे बॉल डाल दी और स्पिनर स्पिनर बोला और एक स्लिप रखने का एडवांटेज तो आपने देख ही लिया। ओए यार क्या सीम हो रही है भाई, 23वां ओवर चल रहा है उसके बाद भी बॉल सीम हो रही है जबरदस्त, मजा आ रहा है देखते हुए। हगा, अगर हकता नहीं तो शायद आउट भी हो जाता पता नहीं। 4 रन आए उस ओवर से और एक विकेट मिली 3 ओवर में, 5 रन देकर 2 विकेटें मिली है। इंतजार इस चीज का कि एक और विकेट मिल जाए। How was that? Or yeah, देगा नहीं अंपायर। Strong appeal. क्योंकि अंपायर के हिसाब से ये लग गया है बॉल, ग्राउंड पे टच हो चुका है। ड्राइव सीधे हाथ में आ रहा है भाई, पकड़ ले ढंग से, थैंक यू। मैं इसको यॉर्कर डालने देख रहा हूँ, एक खिसक खुसक के यॉर्कर को खोद के निकाल रहे बाहर। देखिए इसी तरीके से बिल्कुल, क्योंकि परफेक्ट यॉर्कर नहीं जा रहा है तो इसको चांस मिल रहा है वो चीज करने को। अब वाया ना वो पहाड़ के नीचे, लेकिन ये डाउन द लेग साइड यार। वे बस कर बे, कितना निकालेगा खोद के, एक तो जाने दे बॉल स्टंप पे।
Bagger. Well, that's the end of a great display of bowling. No score from 7 over mein 15 run dekar 2 wickets mili hai. In search of another wicket here, but दे नहीं रहे दोनों में से कोई भी विकेट अपनी और उठा लिया. इसका मतलब क्या है जानते हो चाहे? इसका मतलब ये है कि टाइम आ गया है कि हमें शॉर्ट लेग निकाल के बाहर डालना पड़ेगा. आउट यही चाहिए था मुझे. एक गलत शॉट खेलता और करियर खत्म हो जाता इसका, और हुआ भी. इस बार परफेक्ट इनसाइड इन स्विंग यॉर्कर लगी बॉल अक्रॉस करके खेलने की कोशिश काय ब्रैडफोर्ड की और करियर में अक्रॉस हो गया इसका. ये कभी भी दे देगा बैट पैड. गोल्डन बैट पैड की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पर. फील्डर लगाते ही कुछ भलता सा शॉट खेलने गया और चौथा विकेट देके गया मिडल स्टंप सीधे ग्राउंड के बाहर. बट इस बार थोड़ा अच्छे से खेलना है मुझे, विनिंग तक लेके जाना है टीम को, आउट नहीं होना बीच में. स्ट्रेट शॉट क्योंकि मिड ऑफ आगे रखा था उन्होंने, एक अच्छा चांस मिला मुझे जिसको मैं स्ट्रेट मार दूं क्योंकि उसने बॉल भी वैसे डाली थी और ऑफ द मार्क विद द बाउंड्री. पता नहीं सब राशिद खान कहां से आ जाते. ओवर यूज्ड एक्शन हो चुका है इस गेम में राशिद खान का एक्शन. वो भी सोचता होगा भाई एक बार एक्शन क्या डाल दिया, जो आए दिनों जिसको भी बॉलिंग दिए जा रही है तब लेग स्पिनर को मेरे जैसे ही एक्शन दिया जाए. तो स्वीप शॉट के साथ हम होंगे ऑफ द मार्क. जो और भी शॉट्स खेलने पसंद है लेकिन इस गेम में थोड़ा डिफिकल्ट है. बहुत बढ़िया ड्राइव और ड्राइव पे मिलती हुई एक और बाउंड्री. 100 पूरे होते हुए उसी बाउंड्री के साथ. अच्छी गलत कर रही है लोग, लड़की को लड़कों के भेष में खिला रहे. दिल बोले हड़ीपा पिक्चर का याद आ गया. देखी होगी उसको पता होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ. इस प्लेयर का नाम ईशा लता है, दोनों लड़कियों के नाम. लेकिन बंदा अभी पता नहीं बंदा या बंदी है ये भी डाउट हो रहा है नाम से. तो got right in behind it. Easy single bro, easy be easy. 131 for 2. Right over the top of it. Nice run ki darkar. Yes. Great drive. Oh bhai mujhe laga stump pe atak jayegi ball lekin stump ko cut maar ke chali gayi. Easy 3 bro, easy. Direct hit. Oh bach gaya, mujhe laga mere end pe direct hit lag rahi hai. गलत एंड पे थ्रो मार दिया उसने. बढ़िया टाइमिंग, इस टाइमिंग पे बाउंड्री मिलती है. इजी बाउंड्री, 10 रन की दरकार और हमें दरकार है 5 रनों की. The team will be hoping now it can contribute to a very strong total. क्या कर रहा है भाई, ऐसे वैसे शॉट ना खेलो. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. Shot. Nice shot. Ek aur boundary. Isi ke saath score pahuncha 49. Just touch short, and they're able to sweep that powerfully away to the boundary. A brilliant batting effort. Bola na nahi milega mujhe. Easily in the end. A fabulous all-round performance. In what has been a dominant display. That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the game. Join us again real soon. 21 पे 4 और फिर बैटिंग में 49 of 32. एक और मैच जीतते हुए इस बार हम बोल नहीं सकते कि टॉस लूजिंग कैप्टन, लेकिन इस बार टॉस एज वेल एज मैच विनिंग कैप्टन दोनों ही जीते हम लोग. और मैंने कहा था जैसे कि चंडीगढ़, तो मुंबई और चंडीगढ़ का फाइनल मैच होने वाला है इस रणजी सीजन का. देखते हैं इसके बाद हमें कॉल अप मिलता है या नहीं. इंडिया टीम के लिए नो चांस अभी भी बता रहा है. मुंबई और डोंबिवली, इसके बाद कहीं और से कॉल अप आता है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा मुझे. इतनी अच्छी फॉर्म के बावजूद भी हमें कोई कॉल अप नहीं आ रहा कोई टीम से. चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा.